नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका कथा संगम में। आज हम आपके लिए लेके आए हैं बहुत ही आश्चर्यजनक और चकित कर देने वाली कहानी। आज हम बात करने जा रहे हैं पद्मनाभ स्वामी मंदिर की, उसके गौरव की, भव्यता की और इस मंदिर से जुड़ी कई पहेलियों की जो आज तक सुलझाई नहीं जा सकी हैं। दोस्तों, आपसे अनुरोध है कि यदि आपने अभी तक कथा संगम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि आपकी कोई भी कहानी मिस ना हो। पद्मनाभ स्वामी का मंदिर केरल राज्य के तिरुवनंतपुरम शहर में स्थित है। तिरुवनंतपुरम शहर का नाम भी इस मंदिर की वजह से ही पड़ा है। मलयालम में तिरुवनंतपुरम का अर्थ है भगवान अनंत का शहर। तिरुवनंतपुरम को हम त्रिवेंद्रम नाम से भी जानते हैं। पद्मनाभ स्वामी विष्णु के रूप हैं और यहाँ शेषनाग के ऊपर शयन मुद्रा में विराजमान हैं। आइए जानते हैं इस मंदिर का इतिहास। कई हिंदू ग्रंथों में पद्मनाभ स्वामी मंदिर का उल्लेख है, जैसे ब्रह्म पुराण, मत्स्य पुराण, वराह पुराण, स्कंद पुराण, पद्म पुराण, वायु पुराण, भगवत पुराण और महाभारत। 9वीं शताब्दी में इस मंदिर को सबसे अमीर मंदिर होने के कारण सोने का मंदिर या गोल्डन टेंपल नाम से भी जाना जाता था। मानना था कि त्रावणकोर राज्य में इस शहर की दीवारें भी सोने की हुआ करती थीं और मंदिर के स्थान को स्वर्ग माना जाता था। यह बताया जाता है कि इस मंदिर की स्थापना परशुराम जी ने द्वापर युग में स्वयं अपने हाथों से की थी। 18वीं सदी में इस मंदिर का कार्यभार त्रावणकोर के शाही परिवार ने संभाला। पद्मनाभ स्वामी शाही परिवार के कुलदेव माने जाते हैं। त्रावणकोर राजघराने ने अपना जीवन इस मंदिर को सौंप दिया है। 1750 के बाद राजघराने का हर राजा श्री पद्मनाभ दास के नाम से जाना जाने लगा। आज भी इस मंदिर का प्रमुख कार्यभार त्रावणकोर राजघराने के राजा तिरुनल राम वर्मा ही संभाल रहे हैं। आइए जानते हैं इस मंदिर की भव्यता और मंदिर के धर्म संपन्न होने के बारे में। पद्मनाभ स्वामी का यह मंदिर सबसे अमीर है, इस बात का सबूत 2011 में सबके सामने आया, जब सुप्रीम कोर्ट ने टीपी सुंदर राजराजन की एक पिटीशन को सुन आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट को आदेश दिया कि इस मंदिर के तहखाने खोले जाएं और पता लगाया जाए कि अंदर क्या है। इस मंदिर के नीचे 6 तहखाने हैं जिन्हें ए से लेकर एफ तक का नाम दिया गया है। 7 सदस्यों वाली सर्वे टीम वहां गई तब उन्होंने पाया कि सी से लेकर एफ तक के तहखाने आसानी से खुल गए, जो ताला चाबी वाले दरवाजों से बंद थे। वहां टीम को काफी सोना और खजाना मिला। जब टीम तहखाने ए में गई, वहां उन्होंने देखा तो वहां उन्हें पहले एक लोहे की ग्रिल, फिर लकड़ी का दरवाजा मिला, फिर उसके अंदर एक छोटा सा कमरा मिला जिसमें एक बहुत बड़ा पत्थर रखा हुआ था। बड़ी मेहनत से काफी लोगों ने मिलकर जब उस पत्थर को हटाया तब उन्हें एक सीढ़ियों जैसी एक सुरंग दिखी जो और नीचे जा रही थी। उस सुरंग से एक बार में एक ही व्यक्ति जा सकता था। टीम ने ऑक्सीजन सप्लाई कर जब नीचे जाना शुरू किया तब वह एक बहुत ही अंधेरी जगह दाखिल हुए। थोड़ा बहुत जो प्रकाश वहां आ रहा था उससे वहां इतनी जगमगाहट हो गई कि मानो आप चांद सितारे देख रहे हों। वहां टीम ने जो देखा उस पर उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था। पूरा तहखाना हीरे जवाहरातों से भरा हुआ था। इसी तरह मशक्कत के बाद ए चैम्बर, जो कि पहले कभी नहीं खुला था, वह भी खोल लिया गया। तहखानों से जो मिला उसका आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। सर्वे टीम को 15 दिन लगे तहखानों से सब कुछ ऊपर निकालने में और उसकी गणना करने में। अब मैं आपको बताता हूँ वहाँ क्या क्या मिला। 3.5 फीट की सोने की विष्णु की मूर्ति जिसमें हीरे और रूबी जड़े हुए थे। 18 फुट लंबी एक सोने की चेन। 1200 स्वर्ण मुद्रा जिसमें भी जवाहरात जड़े हुए थे। 30 किलो की सोने की ढाल। बहुत सारी थैलियाँ भर के सोने की अंगूठियाँ और तरह तरह के नग और स्टोन्स। कुछ हीरे ऐसे भी मिले जो कि 110 कैरेट से भी ज़्यादा थे। आपको इन हीरों की कीमत समझाने के लिए मैं कोहिनूर हीरे का उदाहरण देता हूँ, जो कि विश्व का सबसे कीमती हीरा माना जाता है, जो कि सिर्फ 105 कैरेट का ही है। और अभी जो मैंने आपको बताई ये एक बहुत ही छोटी सी लिस्ट है उन चीज़ों में से जो यहाँ मिली। और इसी तरह की कई भव्य चीज़ें जैसे सोने की कुर्सियाँ, सोने का सिंहासन और कई तरह के सोने के सिक्के जैसे मुगल काल की अशर्फियाँ, ब्रिटिश काल की स्वर्ण मोहरें आदि यहाँ पाई गईं। जितना खजाना अभी तक मिला है
उसकी कीमत लगभग 20 बिलियन डॉलर बताई गई है, जिसमें इस खजाने की एंटिक वैल्यू जोड़ी ही नहीं गई है। और अभी तो बी तहखाना खुला ही नहीं है, जिसकी अपनी ही दिलचस्प कहानी है। जब सर्वे टीम वहां गई तब उन्हें ए तहखाने की तरह ही ग्रिल, फिर एक लकड़ी का दरवाज़ा मिला। फिर उन्होंने देखा कि एक बहुत बड़ा लोहे का दरवाज़ा उनके सामने है, जिसमें कोई ताला चाबी नहीं है। उसे खोलने का कोई तरीका सर्वे टीम को नहीं मिला। उस द्वार पर दो बड़े कोबरा नाग बने हुए हैं। माना जाता है कि दरवाज़ा नाग बंधन द्वारा बांधा गया है और वह नाग उस दरवाजे की रक्षा कर रहे हैं। यह तहखाना बाकी तहखानों में से सबसे बड़ा है और माना जाता है कि इसमें अकल्पनीय खजाना हो सकता है। जो इस नागपाश या नागबंधन के चिन्ह को जानते हैं वह बताते हैं कि इस द्वार को खोलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, गरुड़ मंत्र। जो गरुड़ मंत्र को सही उच्चारण के साथ पाठ कर सकता है वही इस दरवाजे को खोल सकता है। जानकार बताते हैं गरुड़ मंत्र का गलत पाठ कर व्यक्ति की मृत्यु भी हो सकती है और विनाश हो सकता है। मान्यता ऐसी भी है कि इस द्वार के अंदर समुद्र मंथन के दौरान निकला खजाना भी हो सकता है, जिसके आगे कुबेर का खजाना भी छोटा पड़ जाए। और मान्यता ऐसी भी है कि इस दरवाजे के अंदर खुद शेषनाग विराजमान हैं, जो उस खजाने की रक्षा कर रहे हैं। और इस दरवाजे का हम सांपों से रिश्ता देख ही चुके हैं। बहुत पहले की कहानी है कि एक बार इस दरवाजे को पहले भी खोलने का प्रयास किया गया था। तब वहाँ प्रयास करने वाले को इतने सांप दिखे कि उसे अपनी जान बचाकर वहाँ से भागना पड़ा। और इतना ही नहीं दोस्तों, 2014 की एक रिपोर्ट में पता चला कि इस मंदिर के अंदर दो ऐसे और तहखाने हैं, तहखाना जी और तहखाना एच। तो दोस्तों, इन तहखानों के राज अभी भी एक राज हैं और ये एक अनसुलझी पहेली है। और हम यदि मंदिर की बात करें तो मंदिर बहुत ही भव्य और बहुत ही सुंदर स्थान पर स्थित है। तो आप इस मंदिर ज़रूर जाएं, पद्मनाभ स्वामी के दर्शन का लाभ लें और क्या पता आपको भी कोई खजाना मिल जाए। दोस्तों, कथा संगम के इस भाग में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली दिलचस्प कहानी में। धन्यवाद।